Hello, I'm Tabriz Akhtar. This is your maths class and today we are going to start chapter number 5.2 exercise 5.2 का questions जो हैं वो किस type के हैं, pie chart वाले question हैं. pie chart कैसे बनाते हैं ये चीज़ हम इस exercise में करने वाले हैं, और वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं. द सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द म्यूजिक म्यूज़िक दैट सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी. तो एक शहर में कुछ लोगों का एक सर्वे किया गया, जिसमें से 20% लोग जो हैं, इस फिगर में आप देखेंगे 20% लोग जो हैं वो क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करते हैं एंड सेमी क्लासिकल पसंद करते हैं, और क्लासिकल 10% करते हैं, फॉक 30% एंड लाइट म्यूज़िक में 40% लोग हैं. यहाँ नंबर ऑफ़ पीपल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ पीपल दिया हुआ है. ठीक है, अब हमको क्या करना है. इफ़ 20 पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मेनी पीपल वर सर्वेड. अगर 20 लोग क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं, ठीक है, अगर 20 लोग क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं तो कितने लोग हैं इस सर्वे में. ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ तो ये पता है कि 10% है क्लासिकल, 10% है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि क्लासिकल की वैल्यू भी दी है 20%. क्लासिकल की वैल्यू भी 20 पीपल दी हुई है, यानी 10% इक्वल टू 20 पीपल दिया हुआ है. ठीक है, 10% इक्वल टू 20 पीपल दिया हुआ है ना. तो आपको क्या बोल रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी यंग पीपल. ठीक है, कितने लोग हैं. ठीक है, तो 10% की वैल्यू कितनी है बेटा, 20 दी हुई है. ठीक है, सारे लोग तो 100% कहलाएंगे ना, सारे लोग तो 100% कहलाएंगे. जब 10% 20 है तो यहाँ 10% है, तो यहाँ इंटू 10 कर दिए तो 10 × 10 क्या हो जाएगा, 100%. यहाँ इंटू 10 किए तो यहाँ पे भी इंटू 10 कर देंगे, तब यहाँ पे इंटू 10 किए तो 20 × 10 यानी 200. तो यहाँ 10 × 10 क्या हो जाएगा, 100. तो 100% लोग यानी पूरे लोग कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे. ठीक है, समझ यही बात. ठीक है, टू हंड्रेड. ठीक है, तो यहाँ पे 10% रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे 20 पीपल, चलिए इसमें आप देख लीजिए कि अगर जो 10% जो है, जो 10% दिया है, ये अगर 100 है, ठीक है, तो 20% जो होगा वो सारे टोटल नंबर ऑफ, क्या टोटल नंबर ऑफ जो आपके लोग हैं ना उस सर्वे में, उसको रिप्रेजेंट करेगा. 20% जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, देखो, क्योंकि देखो ये जो 20 है ना, ये डबल ही है इसका डबल है ना. ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारे सर्वे को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक, या तो एक ये तरीका था, और दूसरा तरीका ये था कि भाई जब आपको पता है 10% की वैल्यू 20 दी है, यानी 10/100 की वैल्यू 20 दी है ना, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 × 100. ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 × 100/10. ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा 200 लोग. समझ में आए, 1 यानी पूरा कंप्लीट है ना. अब लाइट म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल. अब पूछ रहा है सबसे ज़्यादा कौन सा म्यूज़िक पसंद किया जाता है, तो लाइट म्यूज़िक पसंद किया जा रहा है.
इस चार्ट में देखोगे तो सबसे लंबा जो हिस्सा है वो लाइट म्यूजिक वाला है। उसके बाद इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडी हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। अगर कैसेट कंपनी जो है वो बना रही है 1000 सीडी तो उसको किस किस टाइप की बनाने पड़ेंगी सीडी, ठीक है। तो अब उसको कितने कितने टाइप की बनाने पड़ेगी, तो सबसे पहले आप देख लो सेमी क्लासिकल पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 20% हैं। सेमी क्लासिकल पसंद करने वाले लोग 20% हैं, तो उसको सेमी क्लासिकल कितनी म्यूज़िक सीडी बनानी पड़ेगी, तो 20 × टोटल कितना बना रहा है 1000 ना, तो 1000 लिखोगे अपॉन 100, 20 × 1000 upon 100, ठीक है, 20 × 1000 upon 100। 1000 क्यों, क्योंकि 1000 सीडी है उसके पास टोटल बनाने के लिए। अब उसको सेमी क्लासिकल वालों के लिए कितनी बनानी है, 20%, तो 20 × 1000 upon 100। अब यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 100, ठीक है। तो कितना आएगा, सॉरी ये 2 भी है तो 200, तो कितना आएगा 200। क्लास सेमी क्लासिकल वालों के लिए 200 सीडी बनानी पड़ेगी, और क्लासिकल वालों के लिए, क्लासिकल वाले 10% हैं, तो 10 × 1000 1000 है ना, अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 100 बचा, यानी 100 सीडी क्लासिकल वालों को दी जाएगी। इस तरीके से फोक वालों को 30%, यानी 30 × 1000 × 100, तो इस तरीके से 3300 सीडी फोक वालों के लिए बनानी पड़ती है, बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको, आपको चार्ट दिया हुआ है, इसको आपको बताना है कि कौन से सीज़न का सबसे ज़्यादा वोट है, और सेंट्रल एंगल बताना है कैसे निकालते हैं, और पाई चार्ट बनाना है इन सब का, ठीक है। तो सबसे पहले विंटर सीज़न देख लो, इसमें सबसे पहले समर सीज़न और रेनी सीज़न और विंटर सीज़न, सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला है, विंटर सीज़न पसंद करने वाले को, ठीक है। विंटर सीज़न सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है सेंट्रल एंगल बताना है, फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ऑफ ईच सेक्टर। अब इन सब का सेंट्रल एंगल बनाना है, सेंट्रल एंगल कैसे बनाते हैं, चलो यहाँ आप क्या करोगे, 3 सीज़न दिए हैं, समर विंटर और रेनी सीज़न, तीनों सीज़न की जो वैल्यू है उसको पहले प्लस करोगे, 90 करो और 120 और 150 करोगे, तो आपको 360 मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, 90 अपॉन 360 करोगे, और फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ दो दो बार 360 जो आ रहा है वो कॉइंसिडेंसली आ रहा है, क्योंकि जो तीनों का सम भी है वो 360 ही आ रहा है, इसलिए ये 360 से 360 कट जाएगा, 90 आएगा, यहाँ यहाँ पे भी कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा, जो क्वेश्चन में था वही वैल्यू आंसर में आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमको किसी भी सेंटर एंगल को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जिस वैल्यू का एंगल निकालना है, जैसे कि ब्लू इसका निकालना है तो इसको ऊपर रखो, उसके बाद इन सारी जो डेटा दिया हुआ है, सारा डेटा का जो सम है वो क्या है, 36 को नीचे रखो, इनटू 360 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 360 का मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि भाई हमको पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट पूरे सर्कल में बनता है, और पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब यहाँ 36 से 36 कटेगा, 1 आएगा, 0 लगेगा, यानी 18 × 10 यानी 180 आंसर आएगा, क्या आएगा, 180। तो इस तरीके से ये देखो, अगले क्वेश्चन में भी सेंटर एंगल हम निकाल लिए, इस तरीके से सारे क्वेश्चन के सेंटर एंगल हम निकाल सकते हैं। सेंटर एंगल निकालने के बाद हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे ही सेंटर एंगल निकाल लिए, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एक सर्कल बना लोगे, ठीक है, उसमें बीच का आपको सेंटर भी मिल जाएगा। अब सेंटर से एक लाइन खींचो,
एक लाइन खींचो, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है कि मान लो ग्रीन वाला हिस्सा 90 डिग्री आ रहा है, सेंटर एंगल उसका 90 डिग्री आ गया है, तो 90 डिग्री बनाना है। तो इस लाइन को रेफरेंस लेके एक एंगल बना लोगे तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 90 के बाद आपको क्या बनाना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब अपना प्रोटेक्टर यहाँ रखो, इस पे रखो, ठीक है। जैसे ही इस पे रखोगे और देखोगे तो यहाँ कहीं आपका 60 डिग्री मिल जाएगा, इतने हिस्से में 60 मिल जाएगा, 60। उसके बाद फिर अब यहाँ रखो, यहाँ रखोगे तो 30 मिल जाएगा, इतना छोटा, ठीक है, 30 मिल जाएगा। अब बचा हुआ जो है वो पूरा ये 180 है, पूरा बचा हुआ 180 है। तो इस तरीके से एक एक करके एंगल बनाते जाओगे, प्रोटेक्टर अपना अलग करके अलग आगे रखते जाओगे तो आपको बन जाएगा। और तभी भी नहीं बन रहेगा तो आप मुझे बताइए कि मुझे नहीं बन रहा है, तो फिर मैं आपको फिर से दूसरे तरीके से बताता हूँ, है ना, ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके क्वेश्चन करोगे पाई चार्ट वाले, और भी बाकी सारी चीज़ें जो नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूँगा, कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। थैंक यू।